focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class business. Big Tech. आपको हम लोगों ने दोनों लोगों ने प्रॉमिस किया था कि गुंडा और गैंगस्टर एक्ट भी लगाएंगे. तो एक केस है जिसमें आज गैंगस्टर जो है हमने सैंक्शन जो है दिया है. यह है श्री रामभूल पुत्र फूल से निवासी गढ़ी चौखंडी और इनके साथ ये 10 लोग हैं जिनकी लिस्ट हम आई आई पी आई. पहले मैं तो ये काम बहुत प्रशासनिक रूप से जो प्रॉमिस किया गया था उस साल के अंत में हमने सोचा कि गढ़ी चौखंडी के जो 10 लोगों पे गैंगस्टर अप्रूव हुआ है आपके माध्यम से जो शासन की मंशा थी उसको जो इम्प्लीमेंट किया गया है वो बताया जाए. लेकिन ब्रीफली भू माफियाओं के संबंध में जो किया गया है वो मैं बताना चाहूँगा पहले आपको, जिससे आप पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ लें. आप अवगत हैं कि मई के महीने में शासन द्वारा एक शासनादेश और 2 पत्र भेजे गए थे. शासनादेश 1 मई का था और 2 पत्र भेजे गए थे जिसमें प्रत्येक जिले में टास्क फोर्स गठित की गई थी, जिले के स्तर पे, डिवीजन के स्तर पे और फिर मुख्य सचिव महोदय के स्तर पे. और ये निर्देश दिए गए थे कि जिले के भू माफियाओं को चिन्हित किया जाए और उनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में, विभिन्न एक्ट्स में, चाहे आईपीसी की हो, चाहे गुंडा हो, चाहे गैंगस्टर हो, जैसी की पात्रता है उसके आधार पे एक्शन लिया जाए. इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया था कि छोटे स्तर पे यदि कोई इंक्रोचमेंट हुआ है तो उनके विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई से परहेज किया जाए. हम लोगों ने उसका पूरा ध्यान रखा और जिले के, जैसा कि आप अवगत हैं, 3 प्राधिकरण हैं, तो लैंड ओनिंग जो एजेंसीज हैं वो उस कमेटी के हिस्सा हैं. उनको, विभिन्न विभागों को और एसडीएम्स को बुला के कई राउंड मीटिंग हो गई, 10 राउंड से ऊपर मीटिंग हुई होगी और ड्यू डिलीजेंस उसमें किया गया है. और हम लोगों के स्तर पे जो प्राधिकरणों ने कहा है उसी के आधार पे हम लोगों ने एक्शन लिया है. तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि पहले चरण में 90 लोग भू माफिया के रूप में आइडेंटिफाई हुए थे पहले चरण, तो आपको बताया जा चुका है. उन 90 पे कार्रवाई की जा रही है. उन 90 में 31 के खिलाफ गुंडा एक्ट लग गया, 79 के खिलाफ एफआईआर होकर विभिन्न धाराओं में दर्ज हुई हैं और आज जो है 10 के खिलाफ गैंगस्टर लगा है. इससे पहले 2015 का और अप्रैल 2016 का, सितंबर में वो 2017 का, सितंबर का. उसके अलावा 27 लोग, फिर हम लोगों ने कहा कि दूसरे चरण में भी ये एजेंसीज डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई करें. दूसरे चरण में भी हमारे पास 27 नाम आ चुके हैं अलग अलग गांव के, उनमें भी एक्शन हो रहा है. तीसरा एक डेवलपमेंट हुआ जो शासन के स्तर से पत्र आया था कि जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपने हस्ताक्षर से टॉप 10 भू माफियाओं की सूची शासन को भेजें, मुख्य सचिव साहब को भेजें. हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, प्राधिकरणों के लिस्ट पे विचार किया, लेकिन उसको किसी एक प्राधिकरण से सीमित न करके एसडीएम लेवल पे भी विचार हुआ और विभिन्न विभागों के लेवल पे विचार हुआ और ऐसे में एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो जिले के हर जगह पे, तहसील में, शहर में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, सभी जगह उसका, उसकी व्यापकता रहे और वहां पे जो लोग भू माफियाओं का रोल कर रहे हैं उसमें इस चरण में हम लोगों ने, मैंने मुख्य सचिव साहब को और एसएसपी साहब ने मुख्य सचिव साहब को अपने ज्वाइंट हस्ताक्षर से 25 केसेस, 10 की जगह 25 केसेस
और उसके 47 टॉप 10 माफिया उसकी सूची भेजी 47। वो वाइड रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब कोई जगह छूटे ना, हर जगह पे जो उनके विरुद्ध कड़ाई की जाएगी तो वहां पे लोगों की हिम्मत ना पड़े कि कोई सरकारी जमीन पे कब्जा कर सके। इसलिए 10 की जगह 47 की सूची भेजी और कहा कि इससे कम नहीं हो सकता पहले चरण में, उसके बाद के चरण में और आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जमीन जो छुड़वाई गई 3 तहसीलों में 61 हेक्टेयर जमीन छूटी, और परसों और कल के जो प्रकरण हैं, जो अजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें हम लोग हैं, उसमें कमेटी में जिला स्तर पे और एयरफोर्स के जो कंसर्न ऑफिसर वो हैं, उसके बाद 80 एकड़ जमीन परसों और कल के अभियान में भू माफियाओं से छुड़वाई गई है, जो कि पिछले कई सालों से 1950 से कब्जे में थी। एयरफोर्स के नाम पे वो जमीन थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जमीन एयरफोर्स ले नहीं सकी थी। तो 80 एकड़ का मतलब ये करीब कई सौ करोड़ की 93.38 हेक्टेयर पूरी जमीन जो है खाली कराई गई, 61 हेक्टेयर पहले की और बाकी 32 करीब मिला के 93.38 हेक्टेयर इस जिले में जमीन खाली कराई गई है। अगर तहसील वाइज देखें तो दादरी में 45 केसेस में 20.32 हेक्टेयर जमीन खाली कराई गई है। सदर में देखें तो 15 गांव में 18.5 हेक्टेयर जमीन खाली कराई गई है, और इसके बाद यदि आप जेवर में देखें तो 17 केसेस में 23.32 हेक्टेयर जमीन खाली कराई गई है। ये इन एडिशन टू 32.3 हेक्टेयर जो परसों और कल के अभियान में नगला नगली में खाली कराई गई है। तो ये तो जमीनों की स्थिति हो गई, आइडेंटिफाई हुए हैं लोग, और इसमें 79 में FIR हुआ है, 31 केसेस गुंडा एक्ट के हैं, गैंगस्टर के 2 हैं, एक सितंबर में हुआ था और एक 10 लोगों का जो बड़े केसेस है वो धारा 2/3 यूपी गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत ये हुआ है। अब आप पूछेंगे कि इनके ऊपर गैंगस्टर क्यों लगाया गया। रामभूल जो इस गिरोह के मुखिया हैं, गिरोह का संचालन करते हैं, उनके विरुद्ध गैंगस्टर इसलिए लगाया गया क्योंकि अथॉरिटी ने हमको लिखा था भू माफिया होने का कारण इनके, मैं पढ़ दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के वर्णित प्राविधानों के तहत नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नोएडा प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किए बिना कोई भी निर्माण अनुमति नहीं है। श्री रामभूल द्वारा नोएडा प्राधिकरण की अर्जित व कब्जा प्राप्त भूमि FNG मार्ग के किनारे स्थित प्रश्नगत भूमि पर अवैधानिक तरीके से अवैध कब्जा का निर्माण कराया गया, जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के वर्णित प्रावधानों के विपरीत है। और उसमें इन्होंने बताया कि कृत कार्रवाई क्या है, इन्होंने FIR दर्ज कराई थी अथॉरिटी ने प्रश्नगत भूमि पर अधिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध संबंधित अवर अभियंता वर्ष सर्किल 5 द्वारा एवं संबंधित लेखपाल भूलेख विभाग द्वारा उप प्रकरण में थाना 71 में सेक्टर 71 में नोएडा में 5/8/2016, 1/4/2017 और 15/6/2017 को सुसंगी धाराओं में के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। एक होता है उसका फॉलो अप, तो न केवल त्वरित कार्रवाई जो इमीडिएट होती है बल्कि उसको हम लोगों ने तय किया है कि उसका फॉलो अप भी हम लेते रहेंगे, और मुकदमा दर्ज करने के बाद की जो कार्रवाई होती है, अगर गैंगस्टर लायक है तो गैंगस्टर गुंडा एक्ट में कार्रवाई हो तो गुंडा एक्ट में कार्रवाई करके जिला बदर की जाने की कार्रवाई की जाएगी। और जैसा अभी जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था जो अभी आप लोगों ने देखा कल और परसों में। सालों से वो जो जमीन थी एयरफोर्स की थी, और मेरे ख्याल से छोटे मोटे नहीं, लोगों ने बड़े बड़े फार्म हाउसेज वहाँ बना रखे थे, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, कि वर्षों से जो जमीन कब्जे में थी प्राइवेट लोगों के उसको खाली कराकर एयरफोर्स को वापस दिया गया। तो ये जो हम लोगों का प्रयास है ये तो इस वर्ष का था, और
कोशिश रहेगी कि अगले वर्ष में भी इसी तरह हम लोग संयुक्त रूप से काम करते हुए और जितने भी भू माफिया हैं, भू माफिया के साथ साथ जो अभी इलीगल पार्किंग वगैरह पे भी हम लोगों ने काफी काम किया, जितने भी भू माफिया हैं, इलीगल पार्किंग है, खनन है, तो हम लोगों का प्रयास रहेगा ऐसे जितने भी लोग हैं जो संगठित रूप से विभिन्न अपराधों को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का जो ब्यौरा अभी आपको दिया डीएम साहब ने, अगले वर्ष भी हम लोग उसको अपने अभियान को चालू रखें। धन्यवाद। शासन का ये महत्वपूर्ण प्राथमिकता है कि भू माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके तहत प्रथम चरण में हम लोगों ने 90 भू माफिया आइडेंटिफाई किए थे, द्वितीय चरण में 27 भू माफिया आइडेंटिफाई किए, इनके विरुद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं में केसेस दर्ज हुए हैं, 31 केसेस अभी तक गुंडा एक्ट के दर्ज हुए हैं और प्रोसेस में है। इसके अतिरिक्त दो केसेस में गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है, जिसमें पहले में दो केसेस थे, आज इनका नाम मैंने लिया श्रीरामपुर और अन्य 10 टोटल उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट लगा है। और इसके अतिरिक्त 25 केसेस हमने टॉप 25 आइडेंटिफाई किया है, जिनमें 47 लोगों के नाम आइडेंटिफाई करके जो जिले के विभिन्न क्षेत्रों के बड़े भू माफियाज हैं उनका नाम हमने शासन को भेजा है। आगे की कार्रवाई भी हम इसमें करते रहेंगे। मैंने आपको बताया कि 93 हेक्टेयर जमीन इसमें खाली कराई गई है, वायुसेना की 32 हेक्टेयर जमीन 80 एकड़ जमीन परसों और कल के अभियान में खाली कराई गई है। हमारा पूरा प्रयास और इसके लिए अधिकारियों ने बहुत मेहनत की और उनको भी हम धन्यवाद देते हैं और एश्योर करते हैं कि पूरा प्रयास हमारा शासन की मंशा के अनुरूप चलता है। सर, जो ये लैंड है इसका यूज क्या हो रहा था? सरकारी जमीन कब्जा करके अवैध अतिक्रमण करके उस पर निर्माण कार्य हो रहा था। सर से कितने लोगों पे अब तक कार्रवाई हो पाई? देखिए, जो भू माफिया कैटेगरी में है उसमें काफी मुकदमे लिखे गए हैं और जो गैंगस्टर के यहाँ तक रहे हैं 12 लोगों के खिलाफ अब तक गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और लगभग 48 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई जो भू माफिया की श्रेणी में है। लगातार हम लोगों की जो टीम है प्रशासन की और पुलिस की टीम मिलकर जितने भी जो इलीगल कब्जे हैं जो अथॉरिटीज द्वारा चिन्हित किए गए बताए गए लगातार उसमें कार्रवाई चल रही है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा जो एयरफोर्स की जमीन थी उसमें से लगभग 80 एकड़ जमीन प्रशासन के और पुलिस के सहयोग से वहाँ पर खाली कराई गई और एयरफोर्स को उसका कब्जा दिलाया गया। इसी तरह और भी तमाम मामले हैं जिसमें हम लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से भू माफियाओं को, खनन माफियाओं को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, पहले भी हुई है और भविष्य में भी हम लोग चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। सर, क्या इसमें गिरफ्तारी नहीं है किसी की? इसमें जितने लोग भू माफिया में चिन्हित किए गए हैं, कुछ लोग जिनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए थे, कुछ लोग जेल भी गए हैं, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। जो अभी फिलहाल गैंगस्टर एक्ट जिन पे लगा है उसमें से कई लोग पहले अरेस्ट होकर जेल गए, जो लोग बाहर हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे।